आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के आलू गोभी की सूखी सब्जी, जिसे हम शादी पार्टियों में खाते हैं। एकदम हलवाई स्टाइल में ढाबे वाली आलू गोभी की सब्जी, जिसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका अपनी रसोई वेज एंड स्पाइस में। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और 3 मीडियम साइज के आलू को मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू थोड़ा मोटा रखिएगा। इसे अब हम पैन में फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम थोड़े से तेल में शैलो फ्राई ही करेंगे। इसे कढ़ाई में डालकर हम इसे पलट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस तेज हो जाएगा, ये अच्छे से और जल्दी रेड हो जाएगा। इसे हमें हल्का कलर चेंज करना है, हल्का हल्का रेड करना है इसे। इसे लगभग 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब देखिए हमारे आलूओं का कलर चेंज हो गया है, ये हल्का हल्का सा रेड हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए हमने यहाँ आलूओं को निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम गोभी को डालेंगे। मैंने यहाँ 400 ग्राम गोभी लिया है, इसे भी थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। इसे पलट के इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब देखिए हमारे गोभी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गोभी को 5 मिनट पकाया है, उसके बाद ऐसे निकाल लिया है पैन से। तो इस तरीके से मैंने आलू और गोभी दोनों को अलग अलग फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैंने इसे निकाल के रख लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा चटकने देंगे। इसके बाद मैंने डाला है 1 इंच अदरक घिस के, 2 हरी मिर्च कुटी हुई बारीक काट के डाला है। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग आप ज़रूर डालिएगा, इसे टेस्ट अच्छा होगा। अब 2 टमाटर को मैंने यहाँ चॉपर में चॉप कर लिया है। आप टमाटर को घिस के भी डाल सकते हैं और मिक्सर में भी पीस सकते हैं। अब इसे अच्छे से चलाएंगे हम। आँच को धीमा रखिएगा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने आधा टी स्पून हल्दी डाला है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाला है मैंने। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को धीमा रखेंगे और अच्छे से इसे चलाएंगे। सारे मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा, फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून दही को डालेंगे। आप आँच को धीमा ही रखिएगा। अगर आपको आँच ज़्यादा लग रहा है तो गैस को बंद कर दीजिएगा। इस तरीके से अब हम दही को अच्छे से चलाएंगे। इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक चलाइएगा, नहीं तो दही आपका फट जाएगा। इसे ऐसे चलाते रहेंगे हम जब तक कि मसाले में उबाल ना आ जाए। आँच को धीमा रखा है मैंने। ये देखिए हमारा मसाला उबलने लगा है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम आलू और गोभी को डालेंगे। सारे आलू गोभी डाल के अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को धीमा ही रखना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। अब इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को लेके उसका बीज निकाल के उसे मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये ऑप्शनल है, बट इसे अगर आप डालेंगे तो इससे आपको हलवाई स्टाइल ढाबे वाली सूखी सब्जी जैसे बनती है वैसे दिखेगा, देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसे हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। आँच को धीमा ही रखेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद ये तैयार है। अब हम इसे धनिया की पत्ती डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए हम आलू को एक बार चेक करेंगे, हमारा आलू हो गया है, सब्जी हमारी तैयार है। तो दोस्तों आप ये सब्जी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में इसे सबको बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो ऐसी और भी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।